गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा है और जो मेरे हस्बैंड थे वो थोड़ा बाहर चले गए हैं, थोड़ा सा घूमने के लिए। थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं ना तो थोड़ा उनके लिए अच्छा हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अभी वो फ़िलहाल बाहर चले गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना घर का काम करने, क्योंकि जो भी शाम की साफ़ सफ़ाई होती है वो सब करना रहता है, रसोई वगैरह का काम रहता है। तो मैंने कहा चलो मुझे वीडियो भी बनानी थी ना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी एक रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से बार बार आ रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और वो रिक्वेस्ट ये थी कि मैं टाइट फेस कवर लगाकर, मुझे दोबारा से वही चैलेंज मिला था, बट इस बार मुझे साड़ी में और उसके अलावा हाई बन बनाकर मुझे ये चैलेंज पूरा करना था। फेस कवर करने के साथ साथ मुझे हाई बन बनाना था और उसके अलावा मुझे साड़ी में ये करना था, और तीसरा था कि मुझे फुल हैंड ग्लव्स पहनकर ही सारा काम करना था। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर फेस कवर लगा रही हूँ अपना। इस बार मैंने काले दुपट्टे का यूज़ किया है फ्रेंड्स, क्योंकि यही आगे मिला ना मुझे, कॉटन का रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये अभी फ़िलहाल फेस कवर लगा लूँगी मैं, उसके बाद फिर पहनूंगी मैं ग्लव्स। तो ग्लव्स यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी मेरी वीडियो को ना कर पाने की फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर सबसे मेन यही था कि मैं मुझे फुल हैंड ग्लव्स पहनना था, और क्या नाम, जो ये ग्लव्स था ना वो मेरे पास नहीं था, और मैं इसी के इंतज़ार में अभी तक बैठी हुई थी कि शायद मुझे अब मिल जाए, और जब मिल जाए तभी मैं ये वीडियो करूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी, बट ऐसा है ना कि मतलब नहीं मिल पाया मार्केट में। मैंने कई बार पता किया पर हमारे यहाँ की जो लोकल मार्केट है ना वहाँ पर नहीं मिल पाया फुल हैंड ग्लव्स। तो लेकिन फिर आज जब दोबारा से वही रिक्वेस्ट रिपीट हुई ना, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। फिर मैंने एक आइडिया सोचा मुझे, मैं कहा चलो कोई नहीं, ऐसी करके बना के देखते हैं शायद बन जाए। तो जो मैंने एक सर्जिकल ग्लव्स मंगाया, और उसके अलावा एक मेरे पास पुरानी टी शर्ट थी बच्चे की ना, तो उसको मैंने काम चला लिया, उसकी बाजू को निकाल लिया काट कर, और फिर हाथ में मैंने सर्जिकल ग्लव्स पहना और उसके ऊपर से मैंने उस बाजू को फिट कर लिया अपने हाथ में फ्रेंड्स। तो क्या था ना, फुल हैंड ग्लव्स ही तो चाहिए था ना, तो जब मुझे वो नहीं मिला तो मैंने ऐसे ही बना लिया। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, जहाँ ना से तो कुछ ठीक ही रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें करी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। काफ़ी क्या बताऊँ मैं, बस ये है कि आप लोग बस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आप सबको वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं ये देखिए इसी तरीके से मैंने ग्लव्स पहना था, ग्लव्स के ऊपर से मैंने ये बाजू चढ़ा ली थी कि जिससे मेरा मतलब पूरा हैंड भी जो कवर हो जाए और ग्लव्स वाला भी मेरा काम चल जाए इस तरीके से। ये देखिए मैंने ये ग्लव्स वगैरह पहन लिया था। तो फ्रेंड्स चलिए फिर चलते हैं अपने काम की तरफ, और अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम में। तो सबसे पहले मैं अपने रूम में झाड़ू लगा लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप सबको पता है ना मेरा जो घर है बिल्कुल खुला है, तो जितनी सफाई मैं सुबह करती ना मुझे उतनी ही उसकी आधी सफाई तो ज़रूर करनी पड़ जाती है। मतलब सुबह रहता है तो मुझे पोछा भी लगाना पड़ता है ना, तो लेकिन इस टाइम पोछा नहीं लगाऊंगी मैं, फ़िलहाल सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि सामने ये देखिए बिल्कुल रूम के सामने ये बड़ा सा मेन गेट जो है ना बिल्कुल मेरे रूम के सामने ही खुलता है ये, तो आगे से जो भी हवा और मिट्टी आती है ना सीधा डायरेक्ट कमरे के अंदर ही जाती है फ्रेंड्स। तो इस वजह से ना मेरे को दोनों टाइम झाड़ू मारनी पड़ती है। तो अभी ये देखिए बाहर वाला एरिया जो है बरामदे का, उसमें लगा रही हूँ झाड़ू मैं, और हस्बैंड मेरे बाहर निकल चुके हैं घूमने के लिए गए हैं थोड़ा सा, तो घूमने के लिए भी कहीं नहीं, बस ये अपने स्कूल तक जाते हैं, जो हमारा स्कूल है तो बस वहीं तक जाते हैं। थोड़ा सा वो चींटियों को दाना वगैरह चुगाना होता है ना, तो बस इसीलिए चले जाते हैं, थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है ना उनके लिए, तो वो अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए किचन में आ गई हूँ और अपने किचन में झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं किचन में, रूम में और बाहर पहले झाड़ू लगा लूँगी, फिर उसके बाद मुझे बर्तन साफ़ करना है फ्रेंड्स। तो पहले लेकिन झाड़ू वाला काम कर
आ गई हूँ मैं अगेन फिर से रसोई में। ये देखिए मेरी पूरी सिंक बर्तनों से भरी है फ्रेंड्स। तो अभी आज मैंने ना दोपहर के बर्तन साफ़ नहीं किए थे ना, तो सारा काम मेरा रसोई का वैसे ही पड़ा हुआ था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हमें आलस लग जाती है और हम अपना काम छोड़ देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे। तो ऐसा ही कुछ आज हुआ है, वरना ना मैं अपने साथ के साथ जो बर्तन होते हैं जो छूटते जाते हैं ना, मैं उसे साफ़ करती चलती हूँ। जैसे अब कुकर वगैरह रहता है ना, तो दाल वगैरह बनाने के बाद उसे मैं खाली करके ना साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ ही। बट आज नहीं करा था, तो मैं कहा चलो इसी बहाने में अपना वीडियो भी बना लेती हूँ और मेरा काम भी हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं फटाफट मांज लेती हूँ अपने बर्तन। तो आप लोग देखिए वीडियो, और फ्रेंड्स बैकग्राउंड से जो आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी ना, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि परिवार में ही फंक्शन है ना, तो रामायण हो रही है, रामायण बैठी हुई है। तो
फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा शाम का जो भी घर का साफ़ सफाई का काम था और किचन क्लीनिंग का जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा डेली रूटीन इवनिंग का काम। तो काफ़ी टाइम से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं फेस को कवर करके एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मुझे अपने फेस को कवर करना है और साथ में फुल हैंड ग्लव्स पहनना है, उसके साथ मुझे सफाई करनी थी। तो फ्रेंड्स, फुल हैंड ग्लव्स तो नहीं मिला मुझे, बट मैंने इस तरीके से चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करी है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो फ्रेंड्स। तो अब मैं अपना खोलने जा रही हूँ फेस कवर, कि काफ़ी घुटन हो रही है, गर्मी भी है ना काफ़ी, तो इस वजह से सबसे पहले अपना ग्लव्स निकाल रही हूँ क्योंकि खोलने में दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं निकाल लूँगी अपने हाथों से ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स पहन करना फेस मास्क को खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए सबसे पहले ये देखिए मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है। तो अभी इनको निकालने के बाद सबसे पहले खोलूँगी अपना फेस कवर, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी ना, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, चेहरे पर निशान भी पड़ गया था। बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे भी काम कर लेना चाहिए। आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जो रिक्वेस्ट थी मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी, बहुत टाइम से आ रही थी फ्रेंड्स, कई बार रिपीट हो चुकी थी ये रिक्वेस्ट कि मेरी रिक्वेस्ट पूरी करिए मैम, बट मैं नहीं कर पा रही थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस चीज़ का कि कोई मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ और मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके पीछे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, एक तो ये कि मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, मेरा घर जो है गाँव में है और जो पास की जो मेरी मार्केट है ना, लोकल मार्केट, मैं इसी वेट में थी कि शायद मुझे मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मिलती नहीं थी। तो मैंने दुकान वाले से कहा था, तो उसने कहा कि ठीक है मैं ला दूँगा आपके लिए। तो उसने मुझसे कहा था कि मैं ला दूँगा, तो मैं इसी वेट में बैठी हुई थी कि शायद मुझे मिल जाए। बट यही है ना, कोरोना की वजह से लॉकडाउन वगैरह हो गया, जगह जगह मार्केटें बंद हो गई ना, तो वो नहीं जा पाया। तो उसने एंड में फिर मुझे जवाब दे दिया कि मैडम नहीं ला पाया मैं, ये है कि हाँ जैसे फिर अगर कुछ ठीक ठाक होती है मार्केट तो मैं आपको ला के दे दूँगा। वही रिक्वेस्ट आज फिर से आई ना, तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हुई, यार कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और मैं नहीं पूरा कर पाई। चलो जैसा भी है मैं उसको वैसे ही पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तब मेरे पास ये सर्जिकल ग्लव्स रखा हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि चलो इसी से कुछ आइडिया किया जाए तैयार, कि जिससे मेरा वीडियो भी कम्प्लीट हो जाए और उनकी रिक्वेस्ट की भी मान रख पाऊँ मैं। तो बस फ्रेंड्स, मेरे पास एक पुरानी टी शर्ट रखी थी बच्चे की, तो बस मैंने क्या किया उसकी बाजू काट ली और बस उसी को मैंने ऊपर हैंड में उसको चढ़ा लिया और नीचे मैंने वो ग्लव्स पहन लिए थे फ्रेंड्स। इस तरीके से मैंने फुल हैंड ग्लव्स बनाया अपना, कि मैंने कहा चलो ना करने से तो ठीक ही है ना। आई होप फ्रेंड्स आप मेरी मजबूरी समझोगे, बट हाँ प्रॉमिस कि जैसे ही मुझे फुल हैंड ग्लव्स मिल जाएगा ना जिस दिन तो उस दिन मैं सबसे पहले आप ही की रिक्वेस्ट पे दोबारा से ये वीडियो बनाऊँगी, ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। तो बट जो भी है फ्रेंड्स, मैंने जो भी बनाया ना बहुत मेहनत से बनाया है, और प्लीज़ आई होप कि आपको पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा आप, और ख़ासकर जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की है ना, मुझे उसके लाइक और कमेंट का ज़रूर वेट रहेगा फ्रेंड्स। बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। और जो मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए चैलेंज वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।